Hello friends, how are you? I hope you all are healthy and well-being. So, welcome back in one channel. Myself, Abhishek Kumar. I am your biology mentor. So, in this particular video, we talk about kingdom planting in details and interesting manner. So, I hope you really enjoy this session. So, if you want to join my social media handles, so I provide a link in description box of my channel and about section of my channel. So, please go through about section of my channel and press the social media icon and join with us. So, I hope you really appreciate it with me. Let's start without wasting any time. Enjoy the video. Till end. So start today's topic. So today's topic is plant kingdom. So in plant kingdom, we detail discussion about algae, bryophyte, pteridophytes, gymnosperm and angiosperm, and plant life cycle and alternation of generation. What is haplontic life cycle? What is diplontic life cycle? What is haplo-diplo life cycle? And what is alternation of generation? We discuss each and every things in this chapter. So let's start. In previous chapter, we look at the broad classification of living organism. यानी previous chapter यानी हमारा biological classification chapter में हमने organism के broad classification के बारे में पढ़ा था कि two kingdom classification क्या होता है, three kingdom classification क्या होता है, four kingdom classification क्या होता है, five kingdom classification क्या होता है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था. five kingdom classification जो था हमारा आरएच विटेकर साहब ने दिया था, जो कि most popular system of classification था, जो कि 1969 में दिया गया था, है ना. तो इसी के बारे में हमको यहाँ पे बताया गया है. सो ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडर सिस्टम प्रपोज बाई आर एच विटेकर वेदर सजेस्टेड फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन. तो इसको फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें पांच किंगडम आते थे. किंगडम हमारा मोनेरा आता था, प्रोटिस्टा आता था, फंजाई आता था, एनिमिलिया आता था, प्लांटी आता था. जो हमारा किंगडम मोनेरा था उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर को रखा गया था, और जो किंगडम प्रोटिस्टा था इसमें यूकैरियोट यूनिसेलुलर को रखा गया था, और फंजाई जो किंगडम था हमारा वो एक सेपरेट किंगडम था हेटरोट्रॉप्स का, जिसमें सेप्रोफाइट आते थे, हेटरोट्रॉप सेप्रोफाइट आते थे. और किंगडम एनिमेलिया में हमारे सारे एनिमल को रखा गया था, और किंगडम प्लांटी में हमारे सारे प्लांट्स को रखा गया था. तो इन दिस चैप्टर वी डील इन डिटेल्स विद फर्दर क्लासिफिकेशन विद इन किंगडम प्लांटी. तो इस चैप्टर में हम किंगडम प्लांटी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हम पॉपुलर नाम इसका किंगडम प्लांटी का है, जिसको हम जानते हैं प्लांट किंगडम से जानते हैं. किंगडम प्लांटी का नाम प्लांट किंगडम के पॉपुलर नाम से जानते हैं इसको. वी मस्ट स्ट्रेस हेयर डेट ओवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लांट किंगडम चेंज ओवर टाइम. ये हमको स्ट्रेस, एक स्ट्रेस फील होता है समझने में प्लांट किंगडम के क्लासिफिकेशन को समय के साथ साथ, कि हमारा स्ट्रेस क्यों होता है उसके पीछे भी रीजन है यहाँ पे दिया हुआ है. फंजाई एंड मेम्बर ऑफ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा हैविंग सेल वॉल हैव नाउ एक्सक्लूडेड फ्रॉम किंगडम प्लांटी थ्रू अर्लियर प्लेस इन सेम किंगडम. कि हमारा जो फंजाई के मेम्बर्स होते हैं और हमारे मोनेरा होते हैं और हमारे प्रोटिस्टा होते हैं, उनमें सभी में सेलवाल पाई जाती है, तो हम इसको अभी प्लांट किंगडम से क्यों बाहर अलग रखते हैं, क्यों इसको हम प्लांट किंगडम में नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि जो ये हमारे सारे पहले जो थे ये किंगडम प्लांटी में ही पढ़े जाते थे, बट अब इसको हम अलग पढ़ते हैं, ठीक है. सो साइनोबैक्टीरिया डेट रिफर टू एज ब्लू ग्रीन एल्गा. जो साइनोबैक्टीरिया है हमारा, इसको हम बोलते हैं बीजीए बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गा. ये हमारा जो कि एल्गा नहीं है, ठीक है. इन दिस चैप्टर वी डिस्कस एल्गी के बारे में, ब्रायोफाइट्स के बारे में, ट्रेडोफाइट्स के बारे में, जिम्नोस्पर्म के बारे में और एंजियोस्पर्म के बारे में. ये हम सब पढ़ेंगे प्लांट किंगडम में. जो हमारा साइनोबैक्टीरिया होता है इसको हम बीजीए बोलते हैं. इसमें एक हायर प्लांट की तरह क्लोरोफिल होता है, जो कि हमारा फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, और ये हमारा हायर प्लांट की तरीके फोटोसिंथेसिस करता है. और हमारा ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म था जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को ऐड किया था इसने, ठीक है. एटमॉस्फेयर में बहुत सारी मात्रा में डिजॉल्व ऑक्सीजन ये अपना हायर प्लांट के तरीके बनाते हैं, ठीक है. तो लेट्स अंडरस्टैंड लुक द क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द कंसर्न डेट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम. तो हम इसमें कुछ एंजियोस्पर्म के क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे और उसके कंसर्न के बारे में देखेंगे, जो कि हमारे क्लासिफिकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं यानी बढ़ावा देते हैं. द अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर. जो हमारा अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो हमारे ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, यानी जो हमारे सुपरफिशियल यानी जो हमारी बाहरी बाहर से जो दिख जाए उन उसी के बेसिस पे हम क्लासीफाइड कर देते थे, है ना. वो सुपरफिशियल कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं, सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सच एज हैबिटाट, मतलब उसका हैबिटाट क्या है, वो कहाँ पे प्लांट पाया जा रहा है,
उसका कलर क्या है, है ना, रंग क्या है, नंबर एंड शेप ऑफ लीफ, उसमें कितने नंबर लीफ के, कितने नंबर्स हैं, कितनी लीफ पाई जा रही हैं, और लीफ का शेप क्या है, इसके बेसिस पे, है ना। और भी कुछ था, दे वर बेस्ड मेनली वेजिटेटिव, जो हमारा अलिया सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो मेनली वेजिटेटिव करेक्टर पे बेस्ड था। जो वेजिटेटिव करेक्टर जो था हमारा, इन्वायरमेंट के साथ साथ बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, जो वेजिटेटिव करेक्टर था ये हमारा इन्वायरमेंट के साथ चेंज होता जाता है। एंड एंडोसियम स्ट्रक्चर, एंडोसियम स्ट्रक्चर के बेसिस पे, जो कि हमारा लीनियर सामने दिया था, इसको आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं, टू किंगडम क्लासिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। सच आर्टिफिशियल, दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, जो कि हमारा क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को सेपरेट कर रहा था, इसमें टू किंगडम क्लासिफिकेशन में बहुत सारी डिमरिज थी, तभी हमारा टू किंगडम क्लासिफिकेशन को ज़्यादा लंबे समय तक हम लोग यूज नहीं कर पाए, क्योंकि इसमें बहुत सारे दोस्त थे। दोस्त क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को सेपरेट नहीं कर पा रहा था, फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक को सेपरेट नहीं कर पा रहा था, और बहुत सारी ऐसी डिमरिज थी, तो इसकी वजह से हमारा थ्री किंगडम आया, वो भी प्रॉपर तरीके से कैटेगरी को फॉलो नहीं कर पाया और वो भी फेल हो गया। फिर फोर किंगडम, फिर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आया, जो कि फिलहाल के तौर पे भी मोस्ट पॉपुलर है, और सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन हमारे कॉल वो सामने दिया है। इसको थ्री डोमेन सिस्टम भी बोलते हैं, जो कि आरआरएनए के सीक्वेंस पे बेस्ड है, ठीक है। तो सच सिस्टम वर आर्टिफिशियल, जो सच सिस्टम ऑफ आर्टिफिशियल, दे है सेपरेटेड क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, सिंस दे वर बेस्ड ऑन ए फ्यू कैरेक्टर्स, जो कि हमारे कुछ कैरेक्टर पे बेस होता था, और क्लोजली रिलेटेड सेपरेट को वो अंडर कैरेक्टर को सेपरेट कर देता था, ठीक है। आल्सो आर्टिफिशियल सिस्टम गेव इक्वल, जो आर्टिफिशियल सिस्टम जो था हमारा, जो हमारे लीनियर सर ने दिया था, गिव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर, जो आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन था हमारे लीनियर साहब के द्वारा दिया गया, वो हमारे इक्वल वेटेज दे रहा था, इक्वल वेटेज दे रहा था वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स को, जो कि नॉट एक्सेप्टेबल सिंस वी नो, जो कि ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं था, हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं, जो कि बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं एनवायरनमेंट से, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हमारे एनवायरनमेंट से बहुत जल्दी अफेक्टेड हो जाते हैं। एज अगेंस्ट दिस, तो इसके बाद हमारा क्या आया, ये वेजिटेटिव कैरेक्टर ये हमारा प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया, वेजिटेटिव कैरेक्टर से जैसे हमारे लीप का सेप क्या है, है ना, हेट्रोफिली वगैरह हम पढ़ेंगे, तो सब वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में आते हैं, हेट्रोफिली वगैरह, ठीक है। एज अगेंस्ट दिस, हमारे इसके बाद हमारा नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन आया, नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन डेवलप विच वर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटी, नेचुरल से पता चल रहा है नेचुरल सिस्टम यानी नेचुरल एफिनिटी से बेसिस होगा, एमंग द ऑर्गेनिज्म एंड कंसाइडर नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर्स, जो कि हमारा एक्सटर्नल फीचर को कंसाइडर नहीं कर रहा था, बट उसमें इंटरनल फीचर्स को भी ऑर्गेनिज्म के कंसाइडर कर रहा था। इंटरनल फीचर क्या होते हैं ऑर्गेनिज्म के, जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर हो गया, एनाटॉमी हो गया, अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब लीफ का स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, है ना, एनाटॉमी क्या हो गया, है ना, एम्ब्रियोलॉजी क्या हो गया, एम्ब्रियोलॉजी का मतलब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, किस टाइप से हो रहा है, किस प्रोसेस से हो रहा है, वगैरह वगैरह। एंड फाइटोकेमिस्ट्री, प्लांट की केमिस्ट्री के बारे में, है ना, फाइटोकेमिस्ट्री। सच ए क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लॉरिंग प्लांट वाज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर, जो कि हमारा क्लासिफिकेशन था यानी नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, ये हमारे बेंथम एंड हुकर साहब ने दिया था, ठीक है। इनका पूरा नाम था जॉर्ज बेंथम, एंड हुकर साहब का पूरा नाम था जोसेफ डाल्टन हुकर, ठीक है। तो एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, एट प्रेजेंट टाइम में जो हमारा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है, तो हमारा बेस्ड इन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे, जो हमारा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप और क्लासिफिकेशन है वो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस है। बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म आर एक्सेप्टेबल, जो कि हमारे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट करते हैं इसको, ठीक है। ये हमारा प्रेजेंट टाइम के बेसिस पे ये हमारा मोस्ट एक्सेप्टेबल है, ठीक है। दिस एज्यूम डेट ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू सेम टैक्सा हैव कॉमन एंसेस्टर, ये मानता है कि जो हमारे ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं सेम टैक्सा से बिलोंग करते हैं वो कॉमन एंसेस्टर होते हैं। कॉमन एंसेस्टर का मतलब होता है जिसकी ओरिजिन सेम हो, मतलब सेम जगह से वो ओरिजिनेट हुए हों और उनमें को सिमिलरिटी पाई जाती हो। वी नाउ यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेनी अदर सोर्सेस टू हेल्प रिजॉल्व डिफिकल्टी इन क्लासिफिकेशन, हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठे कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं अपने डिफिकल्टी, जो हमारी क्लासिफिकेशन में डिफिकल्टी हो रही थी उनको रिजॉल्व करने के लिए। बिकम मोर इम्पॉर्टेंट वेन देयर इज नो सपोर्टिंग फोसाइल एविडेंस, ये हमारा कब इम्पॉर्टेंट होता था, जब हमारे भी फोसाइल एविडेंस नहीं थे, हमारे कोई ऐसे जीवाश्म नहीं थे जो कि हमारे
क्लासिफिकेशन भी सपोर्ट करें। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के बारे में देखते हैं। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या होता है? न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल से पता चला है, न्यूमेरिक, न्यूमेरिक का मतलब यहाँ पे नंबर से होगा और कोड से होगा, ठीक है, जिसमें हम कंप्यूटर का यूज करेंगे, डाटा को सेव करेंगे, है ना, फर्दर स्टडी के लिए। सो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी इन विच नाउ इजिली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर, यानी न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी होता है जो हमारा इजिली कैरिड आउट होता है भाई कंप्यूटर को यूज करके, ठीक है, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, जो कि सारे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर को बेस्ड होता है। नंबर एंड कोड, नंबर एंड कोड आर असाइंड टू ऑल कैरेक्टर एंड डाटा आर देन प्रोसीड, मतलब हम सारे नंबर्स को और उनके कोड्स को कलेक्ट करते हैं, उसका डाटा कंप्यूटर में सेव कर लेते हैं, हमें जब फर्दर स्टडी की ज़रूरत होती है तो हम उसके उसके कोड को, नंबर को डाल के उसके सारी कैरेक्टर्स को फिर से स्टडी कर लेते हैं। दिस वे ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इम्पॉर्टेंट, इस माध्यम से मतलब न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी से जो हमारा था, ईच कैरेक्टर को हमारा इक्वल वेटेज मिल रहा था एंड सेम टाइम में हंड्रेड ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कंसाइडर, और एक समय में था हंड्रेड ऑफ कैरेक्टर को हम कंसाइडर कर पा रहे थे। फिर साइटो टैक्सोनॉमी आया हमारा, साइटो टैक्सोनॉमी से पता चल रहा है, साइटो मतलब सेल, यानी साइटो टैक्सोनॉमी का मतलब है, यहाँ पे हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, उसके क्रोमोसोम के बारे में भी पढ़ेंगे, देखते हैं हम। साइटो टैक्सोनॉमी डेट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, डेट आर बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन लाइक, साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन में क्या होता है, क्रोमोसोम्स नंबर, क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है उसका, बिहेवियर क्या होता है एंड बिहेवियर क्या होता है एंड, और उसके बाद हम देखते हैं कीमोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी क्या होता है, कीमो से पता चल रहा है हमारा केमिकल के बारे में होगा, कीमो मतलब केमिकल, डेट यूज केमिकल कंस्टिट्यूंट ऑफ प्लांट, जो कि हमारा केमिकल कंस्टिट्यूट ऑफ प्लांट, प्लांट टू रिजॉल्व कन्फ्यूजन, आर ऑल्सो यूज बाई टैक्सोनॉमी, जो केमिकल टैक्सोनॉमी होता है वो हमारे केमिकल के बारे में, हम प्लांट के कंस्टिट्यूंट के कौन कौन से केमिकल से मिलकर हमारा बना हुआ है, ये हम अपने क्लासिफिकेशन को रिजॉल्व करने के लिए कीमो टैक्सोनॉमी का यूज करते हैं, जो कि हमारे प्रेजेंट टाइम में हमारे टैक्सोनॉमिस्ट यूज करते हैं क्लासिफिकेशन को करने में। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो में, जिसमें हम फर्दर डिस्कस करेंगे एल्गी के बारे में, ब्रायोफाइट्स के बारे में, टेरिडोफाइट्स के बारे में, जिम्नियोस्पर्म के बारे में, एंजियोस्पर्म के बारे में एंड प्लांट की लाइफ साइकिल के बारे में एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में। तो ये फिलहाल एक इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द प्लांट किंगडम के बारे में था। सो आई होप यू रियली एंजॉय दिस वीडियो। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर लाइक माई वीडियो विद फ्रेंड्स। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, यू हैव ए नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड विद मी, थैंक यू।